हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब पता चलने वाला है काव्या का सच। जी हाँ, अनुपमा को तो काव्या खुद ही बता देगी अपना सच कि वो बच्चा किसका है। बता भी दिया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो बच्चा नहीं है वनराज का, बल्कि वो बच्चा है अनिरुद्ध का। लेकिन किसने बना लिया है काव्या का वीडियो, किसने काव्या का ये कन्फेशन अनुपमा के सामने जो उसने किया उसको रिकॉर्ड कर लिया है, और अब यहीं से अनुपमा की ज़िंदगी में नई बर्बादी दस्तक दे जाएगी। क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में काव्या प्रेग्नेंट है। अभी तक ये दिखाया जा रहा था कि काव्या के पेट में जो बच्चा है वो वनराज शाह का है, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि वो बच्चा वनराज का नहीं बल्कि वो तो अनिरुद्ध का है, जो कि काव्या का एक्स पति है। पर अब ऐसे में उसने ये कन्फेशन अनुपमा के सामने कर तो दिया। अनुपमा ये बात किसी को नहीं बताने वाली है, पर अनुपमा का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है। जी हाँ, अनुपमा के इस वीडियो को जिस शख्स ने रिकॉर्ड करा है वो अनुपमा की ज़िंदगी को अब तबाह करना चाहता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो है बरखा। बरखा जानबूझकर उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है। जी हाँ, क्योंकि बरखा अब उस वीडियो को अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना चाहती है काव्या को भी और अनुपमा को भी, क्योंकि अनुपमा ये बात किसी को नहीं बताने वाली है। पर यहाँ पर बरखा अनुपमा को ब्लैकमेल करने वाली है और इस पर अनुपमा को कपाड़िया एम्पायर से निकालने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बरखा ने बहुत सारे घोटाले कर दिए हैं एम्पायर में, कपाड़िया एम्पायर में। अब ऐसे में इन घोटालों से खुद को बचाने के लिए वो अनुपमा को साफ साफ कह देगी कि तुम्हें अनुज के सामने इन घोटालों को कवर करना होगा और कोई भी बहाना मारकर मुझको बचाना होगा, और मुझे बचाने के बाद अगर मुझे लगा तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अनुपमा, जो कि सबकी अच्छाई सोचती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि काव्या का ये सच बाहर आ जाए, और ऐसे में अनुपमा मजबूरन बरखा की ये बात मान लेगी। कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। कितने एक्साइटेड हैं आप? क्या लगता है आपको, अनुपमा आप सही कर रही है या गलत? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।